वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो ये विजय दर्व की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे को देखना चाहते हैं तो आप उसको बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध स भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय तुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीज़ में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा इंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर ये यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्स पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फ़िल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फ़ैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वर कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो फिल्म की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशन थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फ़िल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पो, पोस, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के, के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया फिल्म के क्लैश की वजह से और फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी सुन को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर रही है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रेडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप दो विजय त्रिगुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विद्या त्रिकुगुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है, जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाल लक्ष्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरण मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लॉ का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोवर्धन की सिस्टर का रोल प्ले कर करी और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगान का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की म्यूज़िक रॉट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के वो टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने इस फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलुगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अब यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस जाके फिल्म को ऑफ्सिय देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दोस्त फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को सीम को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलगू दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता दी ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपसे ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे सन को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिड प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकते हो और इंजॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफार्म अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय दर्व की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और जिस को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे इस इनको देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप सबको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौना की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फिल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय तुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म ने बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ़्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फ़ैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉकबस्टर हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द स्टार ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली इंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर श्रीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंटेश कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी दी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी 11 के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और इस फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय द्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो, सारा कुछ सीन यानी पो, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के, के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैशेस की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकते हो जी हां फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आपको बता दूँ अगर आप दो विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दो यहाँ पर विजय त्रिकुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं हिंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनल लाकेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के, के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन बदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लावाओ का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या इस फिल्म के अंदर गोविंद इनकी सिस्टर का रोल प्ले करिए और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना इसल के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की म्यूज़िक राइट्स वगैरह रा, जो थे ना वो तेलगु टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज तेलुगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल च्च पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया 26 अप्रैल को 2024 में तेलुगू और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप तो फिल्म को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप इस फिल्म को देखना चाहो Amazon प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओडी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और टिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे फिल्म को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप जिसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई चूकी फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय दर्व की फिल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फिल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजयतुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा इंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फ़ैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और कमेटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वरा कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिलराजू और शिरीश और यहाँ पर हमें जो कि नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के वी मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रिशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहां पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और इस फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय द्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगी मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद इसम की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप उस विजय तेरुगुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विजय तेरुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर के 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 का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की कोलीग का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विना लाकेश्वर की बात तो करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर की आनंद इस्लाम के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर लावा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोविंद इनकी सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर रवि इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपने फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो वो के टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँचों के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस जाके सिम को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दो सिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ोन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़ोन प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को सम को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता दीजिए फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और टी टी प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आप ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे सन को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस को देखना चाहो तो वहाँ पे यानी ओटीटी प्लेटफार्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो एंजॉय करो और ओपिनियन कम्बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय दर्वकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस इनका वेट कर रहे थे को देखना चाहते हैं तो आप को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप उसको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फिल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया, आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय तुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि यह फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीज़ में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा इंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर ये फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्स पर आ, जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फ़िल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फ़ैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वर कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशर क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो हज़ार चौबीस में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक सौ सत्तावन मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय दरकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पो, पोस, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के, के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी हूँ फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फ्रिकॉन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो के जो कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूं अगर आप विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूव को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दू तो यहाँ पर विजय तेरुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की कोलीग का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाल लाश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर तो का, का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासु की आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लावाओ का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोवर्धन की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगान का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की म्यूज़िक रॉट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के वो टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियान वाला टी सीरीज है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलुगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अब यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त तो फिल्म को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दोस्त फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी पर आ चुकी है Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलगू दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता दीजिए फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है टिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपसे ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे से उनको देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप जिसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकते हो और इंजॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी सो विजय दर्व की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और जिसम को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस इन को देखना चाहते हैं तो उसको बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप सबको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौना की फ़िल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फिल्म जो कि फ़िल्म के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय दुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लेम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म ने बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय द्रुकुंडा के फैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय द्रिकुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आपको फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था फिल्म को परशुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिलराजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वरा कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की, की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गेप गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद इसम की शूटिंग वगैरह दी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैशेस की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन से ओटिड प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहां पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहां पर आप उसको बता दूं अगर आप दो विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूव को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दू तो यहां पर विजय त्रुकुंडा गोर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विना लगेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इसलम के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना इसम के अंदर गो गोवर्धन की यानी करण मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस्लम के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो जो इस फिल्म के अंदर गोविंद इनकी सिस्टर का रोल प्ले कर करिए और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपने इसलम के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियान वाला टी सीरीज है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज तेलुगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगू और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप तो के फिल्म को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप तो फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ोन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ऑडी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और टिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे फिल्म को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप जिसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई चूकी फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जहाँ सो विजय दर्व की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे इसन को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप उसको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर है जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक गिल्प्स आउट किया गया था जिसमें विजयतरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि यह फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा इंटरटेनर वाली स्टोरीज तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉकबस्टर हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल और यहाँ पर शरीश जो कि फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वरा कृष्णन के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिलराजू और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की हुई थी ना वो के वी मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रिशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी दी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा के बारे में बात करें तो इसम को 2023 में जो कि फेबर में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजिद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगी मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद इसकी शूटिंग वगैरह थी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फ़िल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी जीसू फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप दो विद्य त्रिगुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विद्या त्रिकुगुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनल विश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के, के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इसम के अंदर गोवर्धन के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लावा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोविंद इनकी सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर रवि इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं है जो इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना इसल के अंदर रोल प्ले, प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो 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 टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे तीस सीरीज तेलगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया 26 अप्रैल को 2024 में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस के सिम को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ लेकिन आप दूसरी सिम को देखना चाहो तो अमेज़न प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़न प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को सिम को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलगू दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे से उनको देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़ान प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफार्म अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कमबॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई चूकी फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो ये विजय दर्वकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे इसन को देखना चाहते हैं तो आप को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप उसको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और उनको ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध स भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय दुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि यह फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर फिल्म का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या सा, फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्स पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म ने बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम सुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वर कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं इस फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो कि नोटोग्राफी जो इस फिल्म की, की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगी मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म अब फाइनली जो कि आ चुकी है अब ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आपको बता दूँ अगर आप विजय तीर्गुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर विजय तुर्गुगुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं हिंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलीग का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनल लगेश्वर की बात करें तो, तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चंबालू इसलम के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इसम के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोविंद इनकी सिस्टर का रोल प्ले कर करिए और यहाँ पर रवि इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम भी इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु वो टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अब यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया 26 अप्रैल को 2024 में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस के सिम को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप तो फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता दीजिए फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और टिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपसे ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे सन को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर तो जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफार्म अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जहाँ सो विजय दर्वकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और जिसम को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस इन को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप सबको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर ले जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौना की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फिल्म जो कि फ़िल्म के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया, आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय तुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लेम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फ़ैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉकबस्टर हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमैटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वग़ैरह थे दिल और यहाँ पर श्रीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वर कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की, की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबर में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी हांस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन से ओटिड प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आपको बता दूँ अगर आप उस विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दो यहाँ पर विजय तेरगुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं हिंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनल लाकेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के, के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना इसम के अंदर गोवर्धन गौ, की यानी गैरन बदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लावा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो जिस फिल्म के अंदर गोविंद इनकी सिस्टर का रोल प्ले करिए और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना स्लम के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलगु टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज तेलुगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगू uh, और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप जा के फिल्म को ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दोस्त इस को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और टिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे फिल्म को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई चूकी फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फिल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो ये विजय दर्व की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फिल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोना की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि फिल्म के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजयतुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीज़ में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फ़िल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप उसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वरा कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो कि नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रिशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इसम के बारे में बात करें तो इसम को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी, टी पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी जीसू फिल्म को ओ टी, टी, टी पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर रही है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप दो विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विजय त्रिकुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की कोलिग का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाल लगेर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो के अंदर गोवर्धन की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगान का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो इसम के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी टी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फ़िल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म इसमें म्यूज़िक रॉइट वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने इस फ़िल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलुगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अब आप यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी अप्रैल को ट्वेंटी में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस के सिम को ऑफ्सली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप इस फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़न प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलगू दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता दीजिए फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी हो टी टी प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आप ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे सन को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इंजॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कन्बॉक्स में बताओ वेलकम बैक द एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई चूकी फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय देवकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे इसन को देखना चाहते हैं तो आप उसको बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप उसको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं 2024 में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय तुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फ़िल्म का फर्स्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि यह फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर इसका का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीज़ में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्स पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म ने बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दर्कुंडा के फैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दर्कुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आपको दा फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था फिल्म को परशुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिलराजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो कि नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंटेशा क्रेशन थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम को एक मिनट का मिला हुआ है यानी दी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इसको रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इसम का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको यह प्रिडिक्टेबल और यहां पर आपको यह फिल्म जो के जो कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से यह फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूं अगर आप विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूव को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दू यहाँ पर विजय तेरुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाल लाश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के, के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ वासु की आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो के अंदर गोवर्धन सिस्टर का रोल प्ले कर रही इसमें यहाँ पर रवि पापू इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी टी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियान वाला टी सीरीज है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलुगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको आप यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी अप्रैल को ट्वेंटी में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप तो इस फिल्म को ऑफिशली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ लेकिन आप इस फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़ॉन प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है ऑडिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आप ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे उनको देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर तो जाके देख सकते हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जहाँ सो विजय दर्वकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और जिसम को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोना की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिप्स आउट किया गया था जिसमें विजयतुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि यह फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या सा, फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर ये फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो इस को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय द्रकुंडा के फैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय द्रकुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आपको फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और मेटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परशुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वरा कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं इस फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रिशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी 11 के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय द्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद की शूटिंग वगैरह दी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो, सारा कुछ सीन यानी पो, पोस, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के, के मौका पर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी हांस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन से ओटिड प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुनाल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर रही है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी इसम को देखोगे तो आपको ये और यहां पर आपको ये फिल्म जो के जो कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से यह फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहां पर आपको बता दूं अगर आप दो विजय त्रुगुंडा के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूव को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दू यहां पर विद्या गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं हिंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विना लगेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इसलम के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना इसम के अंदर गो गोवर्धन की यानी करण मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इस्लम के अंदर जो कि गोवर्धन की आन, सिस्टर इन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जिस फिल्म के अंदर गोविंद उनकी सिस्टर का रोल प्ले कर करिए और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना इसम के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलगु टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वर्यान वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज तेलुगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगू और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त जाके सफियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दोस्त इस फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ऑडिट प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़न प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म फिल्म जो है ना आ चुकी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप ने कैसे सिम को देखना है वहाँ सब को पता है तो फिर से आप उसको बता दूं ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इंजॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पे यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कन्बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई चूकी फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय दर्व की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसन को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इसन को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फिल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भाई लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि फिल्म इस के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजितकुंडा एक जो कि एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा इंटरटेनर वाली स्टोरीज तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय द्रुकुंडा के फ़ैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दर्कुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आपको फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शिरीष जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वर कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो कि नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रिशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जो कि फेबर में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फ़िल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पो, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो के, के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी, टी पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी फिल्म को ओ टी टी, टी पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिल्म कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि वर्ध गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर रही है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप दो विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विजय त्रिकुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं हिंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनल विकेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि प्रा रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के, के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इसम के अंदर गोवर्धन के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मादर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इसलिए के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लावा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोविंद की सिस्टर का रोल प्ले कर और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो जो अपना अपना इसल के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म की म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे तीस सीरीज तेलगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डाप्ट करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म तो को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया 26 अप्रैल को 2024 में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस के सिम को ऑफ्सली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप तो उसम को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, Amazon प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को सीम को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलगू ता दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है टी प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे सो देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आपको बता दूं ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कन्बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय देवकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसको हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे इस को देखना चाहते हैं तो आप उसको बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप उसको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फिल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय तुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फ़िल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्स पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म ने बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय द्रुकुंडा के फैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्कुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉकबस्टर हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमैटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल और यहाँ पर श्रीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वर कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी दी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ़्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इसम के बारे में बात करें तो इसम को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फ़िल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म अब फाइनली जो, जो कि आ चुकी है अब ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी हां फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रैक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो कि उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आपको बता दूँ अगर आप दो विजय तुर्गुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर विजय तुर्गुगुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की कोलीग का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी गैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर पर वासुकी आनंद इस फिल्म के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लाओ का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोवर्धन की सिस्टर का रोल प्ले कर रही और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी टी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक रॉट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने इस फिल्म के पाँच तो के पाँच गाने आपको तो तेलुगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको आप यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी अप्रैल को ट्वेंटी में तेलगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त जाके ऑफिशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दो फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़ॉन प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को सीम को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है ऑडिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों ने कैसे उनको देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी एनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी सो विजय दर्वकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस इन को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोना की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर ये फ़िल्म जो कि फ़िल्म के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिप्स आउट किया गया था जिसमें विज्यतरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फ़िल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फ़िल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फ़ैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फ़िल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉकबस्टर हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दूँ आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटिक कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वग़ैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर लें इस फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिलराजू और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के वी मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रिशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी 11 के नाम से फिल्म जो कि रिलीज होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय द्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद की शूटिंग वगैरह दी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फिल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को उसके बाद ये फिल्म अब फाइनली जो, जो कि आ चुकी है आप ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी हांसू फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करिए है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी इसन को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप उस विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विजय तेरुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं हिंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलीग का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर वनलाकेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इसलम के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना के अंदर गोवर्धन गौ, की यानी गैरन माधर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद इसल के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन लावा का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोविंद उनकी सिस्टर का रोल प्ले कर करिए और यहाँ पर रवि पाऊ इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फिल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वर्यान वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज तेलुगू के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप जिसको अभी यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया 26 अप्रैल को 2024 में तेलुगू और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप तो फिल्म को सफिली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दोस्त उस फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़न प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आप फिल्म जो है ना आ चुकी है और टी टी प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आप ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे फिल्म को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप उसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम्बॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय दर्व कुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर और इसन को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस फिल्म का वेट कर रहे थे इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड है तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली जोरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि के सॉन्ग्स वगैरह को एक आध स भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजितकुंडा एक जो कि एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फिल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी सिटी या फैमिली ड्रामा इंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो इस को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फ़िल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्सेस पर आ, जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फ़िल्म और ये फ़िल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दुर्गुंडा के फैन फिर भी फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दुर्गुंडा की डाई हार्ट फैन उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता दो आप इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज और कमेटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फ़िल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परसुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिल राजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री वेंकटेश्वरा कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं फिल्म के फीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रिकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिल और शिरीश और यहाँ पर हमें जो किसी नोटोग्राफी जो फिल्म की की हुई थी ना वो के मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशन थी और फिल्म को पाँच अप्रैल दो में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को 2023 में जो कि फेबर में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी अलेवन के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह थी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पो, पोस, पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फ़िल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के, के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैश की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म आप फाइनली जो कि आ चुकी है आप ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह फिर कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और और यहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले कर रही है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वग़ैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको ये प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको ये फिल्म जो कि जो इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहाँ पर आप उसको बता दूँ अगर आप दो विजय त्रुगुंडा के डाई हार्ट फैन हो उनकी मूवीज़ को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दूँ यहाँ पर विजय त्रिकुकुंडा गोवर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मुराल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाल लगेवर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के, के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इस्लम के अंदर गोवर्धन के ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना इसम के अंदर गो गोवर्धन की यानी करण बदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासुकी आनंद आन, इस्लम के अंदर जो कि गोवर्धन की सिस्टर इन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या जो इस फिल्म के अंदर गोविंद उनके सिस्टर का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर रवि इस फिल्म के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो इस फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक राइट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगू टी सीरीज़ ते तो के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियन वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने फिल्म के पाँचों के पाँच गाने आपको तेलगु के आपको देखने को मिल जाएंगे तीस सीरीज तेलगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अब यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली इस फिल्म को बाद में डाप्ट करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया 26 अप्रैल को 2024 में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप दोस्त उस के सिम को ऑफ्सली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दो फिल्म को देखना चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़ॉन प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को सीम को रिलीज़ करवाया गया था जी कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगू दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता दो ये फाइनली आप फिल्म आम फिल्म जो है ना आ चुकी है और टी प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपसे ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे सो देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप बता दूं ये फिल्म 26 अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इंजॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कम्बॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कन्वॉक्स में बताओ वेलकम बैक दी अनदर वीडियो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ 2024 में रिलीज़ की गई जो कि फैमिली ड्रामा कॉमेडी जॉनरा की फ़िल्म द फैमिली स्टार मूवी के बारे में जी हाँ सो विजय देवकुंडा की फ़िल्म है और ये फ़िल्म जो कि ऑफिशियली अब रिलीज़ हो चुकी है ओ टी प्लेटफॉर्म पर और इसन को हिंदी में भी एक साथ रिलीज़ करवा दिया गया है अगर आप दोस्त इस का वेट कर रहे थे इसन को देखना चाहते हैं तो को बता दूँ ये फ़िल्म कहाँ पर देखने को मिलेगी लास्ट में बताऊँगा और यहाँ पर आप सबको ये भी बताऊँगा कि इस फिल्म की स्टोरी कैसी थी और ये फिल्म ऑडियंस को कैसी लगी थी और उनको ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पर जो कि रिलीज़ करवा दिया गया है तो अगर आप दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया हुआ लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्वेंटी हूं में रिलीज़ की गई द फैमिली स्टार मूवी के बारे में ये एक कॉमेडी ड्रामा फैमिली चौरा की फिल्म थी और यहाँ पर इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला है दो घंटे पैंतीस मिनट का और यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ जब इस फिल्म को अनाउंस किया गया था तो उस टाइम पर यह फ़िल्म जो कि सॉन्ग्स वगैरह को एक आध को भी आउट किया गया था एक ग्लिम्स आउट किया गया था जिसमें विजय दुरकुंडा एक जो कि एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर वो एक जो कि यहाँ पर वो एक जो कि कंस्ट्रक्शन जो कि बिल्डर का रोल प्ले कर रहे थे इस फ़िल्म के अंदर और यहाँ पर वो वहाँ पे एक रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए थे तो एक्शन करते हुए दिखाई दिए थे और यहाँ पर इस फ़िल्म का फास्ट ग्लिम्स आउट किया गया था उसी टाइम से लग गया था पता कि ये फिल्म इतनी अच्छी ख़ास नहीं होने वाली और यहाँ पर सिम का जब टीज़र आया तो टीज़र भी इतना ख़ास नहीं था और यहाँ पर जब ट्रेलर भी आउट किया गया तो ट्रेलर में वही ड्रामा वही सारा कुछ जो पिछली मूवीस में देखने को मिलता है हम काफ़ी सारी मूवीस में दे चुके हैं देख चुके हैं जो कि ड्रामा और इमोशनल सीन्स और यहाँ पर वही फिटी या फैमिली ड्रामा एंटरटेनर वाली स्टोरीज़ तो ये सारा कुछ था तो जिसकी वजह से ये फिल्म आ, उसके बाद इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करवाया गया तो इस फिल्म को थिएटर में भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला और यहाँ पर यह फिल्म थिएटर में भी जो कि फ्लॉप हो गई जी हाँ सो को थिएटर में कुछ ख़ास रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये फिल्म भी जो कि थिएटर में पिट गई और ऑडियंस को भी पसंद नहीं आई और ये फ़िल्म बॉक्स पर जो कि थिएटर में पचास करोड़ के बजट के साथ साथ इस फिल्म इसमें बीस करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई ये फिल्म और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो गई लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस देखना चाहती है विजय दर्कुंडा के फैन फिर भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं क्योंकि हिंदी में काफ़ी सारी जो ऑडियंस है ना विजय दर्कुंडा की डाई हार्ट फैन है उनकी मूवीज़ को देखना पसंद करती हैं चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो या फिर ब्लॉक हो जो भी फिल्म हो वो उनकी मूवी को देखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर बता इसको द फैमिली स्टार 2024 में रिलीज़ की गई इंडियन तेलुगु लैंग्वेज रोमेंटी कॉमेडी ड्रामा एक्शन फैमिली एंटरटेनर वाली जो कि फिल्म थी राइट एंड डायरेक्ट किया था इस फिल्म को परशुराम ने और यहाँ पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह थे दिलराजू और यहाँ पर शरीश जो कि इस फिल्म के अंडर द बैनर श्री कृष्ण के थ्रू इस फिल्म को जो कि प्रोड्यूस किया हुआ था और यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं इस फिल्म के फ़ीचर्स वगैरह की तो यहाँ पर विजय द्रकुंडा और मुराल ठाकुर हमें लीड कास्ट में देखने को मिल गए थे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट परसु नाम ने किया हुआ था और यहाँ पर स्टोरी वगैरह को भी लिखा था और यहाँ पर प्रोड्यूसर थे दिलराजू और शिरीश और यहाँ पर हमें जो कि नोटोग्राफी जो इस फिल्म की की हुई थी ना वो के वी मोहनन ने की थी और यहाँ पर इस फिल्म को एडिट किया हुआ था मारथन के वेंकटेश ने और यहाँ पर गोपी सुंदर ने म्यूज़िक दिया हुआ था प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेशा क्रेशंस थी और फिल्म को पाँच अप्रैल 2024 में रिलीज़ करवाया हुआ था तो यहाँ पर रनिंग टाइम फिल्म को एक मिनट का मिला हुआ है यानी दी जो कि दो घंटे सैंतीस मिनट का इस फिल्म को रनिंग टाइम मिला हुआ है और ये एक लैंग्वेज जो कि तेलगू लैंग्वेज की फिल्म थी बजट इस फिल्म का पचास करोड़ था इस फिल्म ने कलेक्शन किया हुआ था उन्नीस पॉइंट सेवन एट करोड़ का यानी पूरे बीस करोड़ का भी इसने फिल्म ने जो कि कलेक्शन नहीं किया हुआ और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी थी थोड़ा सा इसम के बारे में बात करें तो इसम को 2023 में जो कि फेबरे में अनाउंस किया गया था कि एक वीडी डी के नाम से फिल्म जो कि रिलीज़ होने वाली है यानी होगी और फिल्म में हमें लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे विजय विजयद्रकुंडा जो कि उनके साथ अपोजिट में हमें देखने को मिल जाएंगे मोनाल ठाकुर और, और यहाँ पर फिल्म की शूटिंग वगैरह भी जो कि स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह दी भी जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करवाने के बाद इस फिल्म का जो शो सारा कुछ सीन यानी पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग वगैरह का काम जो स्टार्ट कर दिया गया उसके बाद इस फ़िल्म को शेड्यूल किया गया था संक्रांति में जो कि के मौका पर 2024 में रिलीज़ करवाने का लेकिन इस फिल्म को जो कि पोस्टपोन किया गया इस फिल्म के क्लैशेस की वजह से और इस फिल्म को जो कि फैमिली जो फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से जब इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था पाँच अप्रैल को और उसके बाद ये फिल्म अब फाइनली जो, जो कि आ चुकी है अब ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी जहाँ पर आप दोस्त जाके इस फिल्म को देख सकती हो जी इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर भी यहाँ रिलीज़ करवा दिया गया है अब यहाँ पर यह कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है वो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आप उसको बता दूँ यहाँ पर जो कि गोवर्धन की स्टोरी को दिखाया जाता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वहाँ पर जब भी उनकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पहले आगे आ जाता है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि कोशिश करता है साथ ही वो अपने जो कि लवर के साथ ही यानी उनके साथ भी जो कि अच्छे इंट्रेक्शन होते हैं और यहाँ पर मुराल ठाकुर जो इंदू का रोल प्ले करी है उनके साथ भी लव जो का उनका स्टार्ट होता है और वहाँ पर उनकी शादी होती है उसके बाद कुछ जो कि घर के सीन्स वगैरह होते हैं उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं जिसकी वजह से कहानी आगे मोड़ लेती है और यहाँ पर आपको वही फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा जो काफ़ी सारी पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जब भी फिल्म को देखोगे तो आपको यह प्रिडिक्टेबल और यहाँ पर आपको यह फिल्म जो के जो कि इतनी अच्छी नहीं लगेगी जिसकी वजह से यह फिल्म फ्लॉप रही थी तो यहां पर आप उसको बता दूं अगर आप दो विजय त्रुकुंडा के डाई हार्ट फैन उनकी मूव को देखते हो तो इस फिल्म को लाजमी देख सकते हो ऑडिट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करवाया गया है वो बताते हैं सबसे पहले कास्ट के बारे में बता दू यहाँ पर विद्या त्रुकुंडा गोर्धन गोवर्धन का रोल प्ले कर रहे हैं मनाल ठाकुर इस फिल्म के अंदर हिंदू का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर जगपति बाबू हैं इंदू के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर दिव्यांशा कौशिक इस फिल्म के अंदर है, जो कि गोवर्धन की कोलिक का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर विनाल लाेश्वर की बात करें तो सम्राट का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रवि रवि प्रकाश भी जो कि गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर राजू जो कि चम्बालू इस फिल्म के अंदर गोवर्धन के ब्रादर का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर रोहिणी जो हट्टा गाड़ी है ना फिल्म के अंदर गोवर्धन की यानी कैरन मदर का रोल प्ले कर यहाँ पर वासु की आनंद इस गोवर्धन की सिस्टर इन का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर इसके बारे में आगे बात करें जैसे अभिनन्या कर और यहाँ पर रवि रविम के अंदर होलीगन का रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अच्युत कुमार हैं जो फिल्म के अंदर नेगेटिव रोल प्ले में करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर अजय घोष हैं प्रकाश सिन्ू हैं और यहाँ पर कल्याणी नटराजन हैं वी टी गणेश हैं और यहाँ पर जो कि जबरदस्त राम प्रसाद भी फिल्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे तो ये सारी कास्ट वगैरह थी जो अपना अपना फिल्म के अंदर रोल प्ले किया हुआ है तो यहाँ पर आपको इस फ़िल्म के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक वगैरह के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस फिल्म के म्यूज़िक रॉट्स वगैरह जो थे ना वो तेलुगु के वो टी सीरीज़ के पास थे और यहाँ पर हिंदी के राइट्स वगैरह टी सीरीज़ के पास थे जो हिंदी वरियान वाला टी सीरीज़ है ना उनके पास थे तो यहाँ पर ये यह सारे सॉन्ग्स वगैरह के जो गाने हैं उनकी लेंथ है बाईस मिनट बारह सेकेंड सारे टोटल पाँच गाने इस फिल्म के पाँच के पाँच गाने आपको तेलुगु के आपको देखने को मिल जाएंगे टी सीरीज़ तेलुगु के यूट्यूब चैनल पर और हिंदी के भी टी सीरीज़ हिंदी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएंगे ऑडियो वीडियो दोनों फॉर्मेट में तो यहाँ पर आप इसको अब आप यहाँ पर बता दूँ तो फाइनली फिल्म को बाद में डब्ड करके जो कि तमिल में भी एक साथ रिलीज़ करवाया गया था इस फिल्म को तेलुगु और तमिल में रिलीज़ करवाया गया था तो इस फिल्म को अब फाइनली रिलीज़ करवा दिया गया ट्वेंटी सिक्स को ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में तेलुगु और तमिल लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी प्रीमियर करवा दिया गया है तो यहाँ पर आप जा के इस फिल्म को सफशियली देख सकती हो जो कि ये फिल्म आ चुकी है आ, लेकिन आप दोस्त इस चाहो तो अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देख सकती हो ये फिल्म ऑडिट प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है अमेज़ॉन प्राइम पर छब्बीस अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज़ करवाया गया था जो कि ये फिल्म आपको तमिल तेलुगु दोनों लैंग्वेज में और साथ ही हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी अगर आप दोस्त हिंदी के लिए वेट कर रहे थे तो आप उसको बता ये फाइनली आप फिल्म आप फिल्म जो है ना आ चुकी है ऑडिट प्लेटफॉर्म पर जाके देखो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो नहीं लिया हुआ तो फिर आप दोस्तों कैसे फिल्म को देखना है वह सब दोस्तों को पता है तो फिर से आप जिसको बता दूँ ये फिल्म अब छब्बीस अप्रैल को रिलीज़ हो चुकी है जो कि ऑडिड प्लेटफॉर्म अमेज़ान प्राइम पर तो जाके देख सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो साथ ही देख आप दूसरे ने देख लिया है तो ये फिल्म आपको कैसी लगी थी अपना ओपिनियन भी कमबॉक्स में बता देना और साथ ही वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना इस फिल्म को देखना चाहो तो वहाँ पर यानी ऑडिट प्लेटफॉर्म अमेज़ॉन प्राइम पर जाके देखो इंजॉय करो और ओपिनियन कम बॉक्स में बताओ